साथियों नमस्कार। साथियों, माननीय रक्षा मंत्री और पूर्व सैनिकों के बीच में होगी बातचीत, और बातचीत किन मुद्दों पर हो सकती है, कौन कौन से 30 लाख पूर्व सैनिकों के जायज मुद्दे हैं, OROP, परमिचर रिटायरमेंट, अपने सिपाही से लेके भाई ऑनरेडी तक, उनकी पे पेंशन विसंगतियाँ, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन, एक्स ग्रुप पे की बात हो, बहुत सारे मुद्दे, तो आप इस पूरे वीडियो को विस्तार से देखना। इसमें विस्तार से बातें रखी हुई हैं कि क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं जिन पे हाईलाइट माननीय रक्षा मंत्री के सामने, और कौन इन मुद्दों को रखेगा 30 लाख पूर्व सैनिकों के। तो पूरा वीडियो आप बड़े आराम से देखिए, बैठ के देखिए, चाय पीते हुए देखिए, या कहीं भी देखिए, पर देखना पूरा। जय हिंद साथियों। जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन अरंगन, चेन्नई से। दोस्तों, अभी तक रक्षा मंत्री का जो है JCO छोड़ के, ऑफिसर्स छोड़ के, जो जवानों के बीच में एक इंटरेक्शन है, उसके बारे में 100% पता नहीं चल रहा। और इसमें जो है सिर्फ सिपाही, नायक, हवलदार, ये तीन रैंक को बुलाया। ये तीनों रैंक कौन सिलेक्शन करेगा, इसका कोई आइडिया नहीं है। और जो भी जाएगा उनको कहां तक पेंशन का ज्ञान है, ये भी पता नहीं है। और एज पर वो लेटर के हिसाब से जिनको ज्यादा फायदा मिला है उन्हीं को बुला रहे हैं। हाँ, फायदा ज्यादा किसको मिला है? अगर सिपाही के बारे में बात करो तो सिपाही को भी नहीं मिला, नायक को भी नहीं मिला, हवलदार को भी नहीं मिला। ये बताने वाला कौन बता सकता है, जिनको मतलब टेबल नंबर 501 से लेके टेबल नंबर 555, फिर 666, और उसके बाद 677, ये सारे टेबल्स का ज्ञान होना चाहिए, और साथ ही साथ पेंशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर ये इसके बारे में अगर वो नहीं जानता तो जा नहीं सकता। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं, 7 तारीख को जो हमने काला दिवस मनाया था, उसके बारे में 157 संगठन का मालिक पहले क्यों नहीं अनाउंस किया, और उनके जो है एक स्पोक्स पर्सन जिनके पास 14 लाख सब्सक्राइबर है, उस चैनल पे क्यों नहीं डाला? इन्होंने एक वेबसाइट खोला है, उस वेबसाइट में क्यों नहीं डाला? ये क्यों नहीं डाला? लेकिन बाद में कहता कि एक लेटर भी जारी किया है, मुबारकबाद, कुछ ऐसे ही हिंदी में, मेरी समझ में नहीं आ रहा। और उसके बाद जो है एक और है, रोज हेडलाइंस, सुबह हेडलाइंस, फिर उसके बाद 10 बजे हेडलाइंस, 12 बजे हेडलाइंस, शाम को हेडलाइंस। एक मध्य प्रदेश का एक संगठन का अध्यक्ष है, उन्होंने पहले क्यों नहीं डाला? क्योंकि जहां तक मुझे सुनने में आया है, 5 तारीख को इन दोनों यूट्यूबर्स को एक यूट्यूबर ने मैसेज दे दिया कि ऐसा प्रोग्राम हो गया, दोनों यूट्यूबर के पास मैसेज पहुंच गया था, लेकिन दोनों ने 8 तारीख तक नहीं डाला। 7 तारीख को प्रोग्राम खत्म हो गया, काला दिवस, और जो कार्यक्रम होना था 7 तारीख को वो भी कैंसिल हो गया था, फिर 8 तारीख को मैसेज डाल रहे हैं। और हमारे जो पेटीएम सर, क्या नाम, सुरेंद्र पहलवान का लाइव इंटरव्यू के साथ, क्यों 6 तारीख को क्यों नहीं डाला, 5 को क्यों नहीं डाला? एक संगठन है इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन, हरियाणा में वो करने वाले थे, लेकिन आखिरी मौके पे जो है
इंडियन वेटरन्स का देहरादून से किसी ने मैसेज दिया कि प्रोग्राम कैंसिल होने वाला है, उन्होंने ऑथेंटिकेशन नहीं दिया, 100% गारंटी नहीं बताया, सिर्फ कैंसिल होने का संभावना बताया। इमीडिएटली इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपना पैर खींच लिया पीछे। अगर मान लो कि प्रोग्राम कैंसिल भी अगर हो जाता, वो खबर भी आ जाता, फिर भी हमें करना चाहिए था ना, ये एक मौका था हमें अपना एकता दिखाने का। हमें पहले मालूम था कि इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेगा, क्योंकि उसमें जो है सारे के सारे जनरल्स, एवीएम, एयरवेस मार्शल, ऐसे ऐसे फ्लैग ऑफिसर्स के जो है ना, उसमें एक पूरा ऑफिस बैरस है, या चीफ पैटर्न के तौर पे कुछ ऐसे ही है, उनकी लेटर पैड में उन्हीं का नाम है, हमें पहले ही मालूम था। फिर उसके बाद जो है ये महादिग्गज वीर, पता नहीं एक संगठन था, कहाँ गए थे वो लोग, महादिग्गज वीर वीरांगना, सभी भाग गए, कोई नहीं आया। छोटे छोटे संगठन जो है ना, उन्होंने करके दिखाया, कामयाब हुआ है दूसरे संगठनों की वजह से, 157 संगठन की वजह से नहीं, या महावीर दिग्गज वीरांगना कुछ ऐसे संगठन है उनकी वजह से नहीं। कहने के लिए कहते हैं लोग हमारे पास 500 डिस्ट्रिक्ट में मेंबर है, कुछ नहीं हमें मालूम है, करके दिखाओ ना एक बार। करने के लिए बहुत सारी जो है मुद्दा है दोस्तों, वार ओपी में बहुत सारे विसंगतियां जो हम पहले से बता रहे हैं। वार ओपी 1 पहले जैसे निकला वहीं पे हमने बताया था कि जो नैब सुविधा रैंक है वो एक गेजेटेड रैंक है, क्लास बी गेजेटेड रैंक है, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, सॉरी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर और से, मतलब ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कमांडर है उन्हीं के थ्रू जो है एक गेजेट रैंक है, और एक हवलदार जो है वो एसएनसीओ सीनियर नॉन कमीशन ऑफिसर है। ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, रैंक से मतलब है और पोजीशन से मतलब है। ओआरओपी 1 में एक जेसीओ को जो है एक एसएनसीओ के नीचे कर दिया बाय वे ऑफ सैलरी, ये नाइंसाफी मैं उसी टाइम बता रहा था, लेकिन उस टाइम किसी अफसर को इसके बारे में पता ही नहीं था, अफसर को पता ही नहीं था क्योंकि वो अपने लेवल पे देख रहे थे ना। अभी मैंने डिस्क्रिप्शन में जो एक चीज डाला है अगर आप देखोगे तो, हिंदी में तो बताया, फिर इंग्लिश में मैंने एक चीज डाला है, रेस्टोर हॉनर ऑफ मिलिट्री रैंक। ये एक लेफ्टिनेंट कर्नल, अब अपने आप को कभी कर्नल भी बोल देता, उसने हमारे राष्ट्रपति को एक चिट्ठी डाल रहा था, वो उसने अपनी मतलब दुख भरी कहानी बताया, चलो ठीक है, उन्होंने अपने जो है दुख भरी कहानी बता रहा, उसमें उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब एक जेसीओ का, जब जेसीओ का जो है ये प्रॉब्लम था, एसएनसीओ से कम उसका पेंशन करा दिया गया था, तो उस टाइम ये कहां गए थे, उस टाइम तो ये नजर ही नहीं आया, नजर ही नहीं आया। अभी इनका जो है ना इसलिए आ रहा क्योंकि इनके जो जूनियर्स बाय वे ऑफ सर्विस, इन सबका जो है 2004 के बाद बहुत सारे चीज जो है बहुत सारे चीज उल्टा फुल्टा हो गया, तो इनका मतलब अभी कहता कि डिग्रेडेशन, हमें पैसे से कोई मतलब नहीं है, अगर एक रुपये भी अगर एक्स्ट्रा देना है तो इज्जत से लेंगे, हम भीख के तौर पे नहीं लेंगे, ये है डायलॉग इनका। जो डायलॉग हमारे मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेजर जनरल सतबीर सिंह, जो लोग ऐसे ही डायलॉग बाजी मारते थे, अब मेरी समझ नहीं आ रहा आजकल वो कहाँ है, ये डायलॉग अभी ये मारने लगा, और ये मांग रहा अभी
तीन चीज इनकी मांग है अभी। जो बच्चे मेजर हैं इनको लेफ्टिनेंट कर्नल की बराबर दिया जाए, और जो पहले जो लेफ्टिनेंट कर्नल टाइम स्केल है उनको जो है कर्नल की हिसाब से देना चाहिए, और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को ओआरओपी का फायदा मिलना चाहिए। दोस्तों इनका तो यही चीज, इतना ही बाकी है, बाकी सब ले लिया इन लोगों ने। और हम लोग अगर इस तरह ऐसे ही बैठे रहेंगे ना तो ये लोग वो भी लेके जाएंगे, हम तालियां बजाते रहेंगे ऐसे ऐसे, क्योंकि हमारा तो मतलब आदत है ना ताली बजाने का, करो ना गो अवे, करो ना गो अवे, ताली मारा हमने ऐसे। अभी ये भी लेके जाएंगे देखना अगले वॉर रूपी में, और रीजन ये बताएंगे कि इनका स्ट्रेंथ कम है इसलिए ज्यादा फिनेंशियल बोझ नहीं, मतलब सरकार के ऊपर नहीं लगेगा करके, ये जवाब भी देंगे ये खुद ही। दोस्तों ये सैनिक नाम पे जो YouTube चलाते हैं ना, ऑनरी कैप्टन, ये सब जो है ना उनसे भी नीचे है, उनसे मतलब जो थर्ड जेंडर होता है ना, एक तो होता है मेल एक फीमेल, दूसरा है थर्ड जेंडर, उनसे भी गए गुजरे हैं ये। अपने मतलब के लिए कुछ भी डालेंगे, वो ये नहीं सोच देखेगा कि उसमें सच्चाई कितना है। ओआरओपी निकला था 2015 में, नोटिफिकेशन निकला, उस टाइम तो ये लोग तो था ही नहीं मार्केट में, 2016 में ये मार्केट में नहीं था। जब से ये मार्केट में आए थे ना ओआरओपी 2 के समय, तब से लेके आज तक इन्होंने एक भी ऐसे वीडियो नहीं बनाया कि लोगों को जागरूक कराने के लिए। खुशखबरी, बल्ले बल्ले समाचार, सुबह के समाचार, दोपहर के समाचार, ऐसे ही बात करते थे। एक नायब सूबेदार है 2021-22 का रिटायरी, उन्होंने भी यही शुरू किया। अब वो कहता कि मेरे चैनल देखने के बाद ही लोगों को फायदा मिल रहा, एज इफ दैट उससे पहले किसी को फायदा नहीं मिला। एक लेडी आ रही है, वो भी इन्हीं के साथ है, 18 महीने का डीए, फिर उसके बाद पता नहीं ना जाने क्या क्या कह रही है। और हमारे जो लोग हैं ना उनके पीछे भागते हैं, उनके पीछे भागते हैं वो लोग। और हमें कितना मिलेगा ये इसका टेबल बना के दिखाओ। एक साला सिविलियन यूट्यूबर है, आज वो डाल रहा है कि 2.86 मांग रहे हैं सिविल कर्मचारी का लीडर। वो तो हर बार इलेक्शन के टाइम में ये तो जुमला चलता है, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। 8वें पे कमीशन तो पता नहीं लागू करेंगे या नहीं करेंगे, इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अभी से 1.96 2.86 का कहानी स्टार्ट कर दिया। अब देखो 15 दिन के बाद स्टार्ट करेंगे 2025 से डीए कितना बढ़ेगा, और हमारे लोग पागल कुत्ते जैसे इनके पीछे भागेंगे। दोस्तों सर्विस में जब थे आप लोग, आपके पास टाइम नहीं था कि चारों ओर देखने का, कुछ मतलब पढ़ने का, कोई भी चीज सोचने का आपके पास टाइम नहीं था। अभी तो काफी टाइम है आपके पास, सारे वीडियो देखो, लेकिन जो आपको आपके आपको रियली सच कहां मतलब दिख रहा उनको फॉलो करो। जहां पे आपको डाउट पड़ता है वहीं पे पूछो, भाई कैसे दे सकता गवर्नमेंट आप, क्योंकि आप ही के वजह से, आपके ही वजह से जो है सब कुछ चलता है। कहना मेरा काम है, सुनो या मत सुनो आपकी मर्जी है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों आप लोगों ने मोहन रंगन का वीडियो देखा, उन्होंने बहुत ही विस्तार पूर्वक अपनी बातें भी रखी हैं, और ये सच है, 100% सच है। और ये बातें इसलिए रखी जाती हैं कि जो 30 लाख पूर्व सैनिक हैं उनमें जागरूकता बनी रहे। अगर कोई कोट टाई यूट्यूबर है उनके 20 सेकंड का वीडियो देख के, बल्ले बल्ले खुशखबरी का वीडियो देख के और अपनी राय बनाता रहता है कि हमारे ये मुद्दे सोल्व हो गए, तो 20 सेकंड में कभी भी मुद्दे सोल्व नहीं होते।
तो जब तक आपको विस्तार पूर्वक सारी बातों का नहीं पता लगेगा, तब तक मेरे हिसाब से भारत सरकार तक बात पहुँचाना बहुत ही मुश्किल होगा। और रह गई आंदोलन की बात, आंदोलन भी जब भी चलता है जब हम विस्तार से हर एक मुद्दे के बारे में जानते हों, तो 20 सेकंड का वीडियो देख के कभी भी अपनी राय मत बनाना। और साथियों, अगर आपको अच्छा लगा है तो एक मीडिया बहुत बड़ी बात होती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आप लोगों को। जब गांव में कोई समस्या है, डिस्ट्रिक्ट में कोई समस्या है, आम लोगों की कोई समस्या है, तो कोई नेशनल मीडिया उनके पास में आके उनकी बात को भारत सरकार तक नहीं पहुँचाती। तो कौन सी मीडिया आती है जो भारत सरकार तक उनकी बात पहुँचाती हैं, जो आपके गांव के, आपके डिस्ट्रिक्ट के जो छोटे छोटे पत्रकार हैं, जो अपनी सोशल मीडिया चलाते हैं, उन्हीं के जरिए वहां तक वो बातें जाती हैं। तो हमने भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो सच्चाई को भारत सरकार तक पहुंचाता रहे, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री तक पहुंचाता रहे। तो इसी के लिए हम सबको हाथ मिला के चलना पड़ेगा, एक होके चलना पड़ेगा। तो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, यही मेरा उद्देश्य है कि सब जागरूक रहें, सब भाइयों के पास में उनकी जायज़ मांगे पूछती रहें, और उनके साथ में जो अन्याय हुआ है, जो भेदभाव हुआ है, वो भी उनके पास में पूछती रहे, तो जिससे वो जागरूक हों और वो आगे अपनी बात को रख सके। पूरा वीडियो को आप शेयर करना, इस लिंक को। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।